वेलकम टू माई चैनल एक्वाटिक समाचार एंड मोर। लोटेक प्लांटेड एक्वेरियम सेटअप के बारे में जो मेरा वीडियो बन रहा है उसका सेकेंड पार्ट है, और इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे 10 ऐसे लोटेक एक्वेरियम प्लांट्स के बारे में जो इजी टू ग्रो है और बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। आप में इससे कितने सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एक प्लांटेड एक्वेरियम सेटअप का मतलब होता है बहुत सारा पैसा और समय का खर्चा? बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगता होगा, और ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि अगर आप एक हाईटेक प्लांटेड एक्वेरियम बनाने जाओ तो आपको जो CO2 का सेटअप होता है या लाइट होता है ये सब मिला के आपको लगभग जो है, और उसके बाद एक्वेरियम सॉयल हो गया, तो सब मिला के लगभग जो है आपको 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जिनके पास ना समय ना पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए तो वो प्लांटेड सेटअप नहीं बनाएंगे? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसीलिए जो है आज का मेरा ये वीडियो है, मैं आप लोगों को बताऊंगा 10 ऐसे एक्वेरियम प्लांट्स के बारे में जो इजी टू ग्रो है, ना इसके लिए आपको बाहर से CO2 इंजेक्ट करना होगा, ना ही इसके लिए आपको महंगा महंगा लाइट लगाना पड़ेगा, ना ही इसके लिए आपको महंगा फर्टिलाइजर यूज करना होगा, और ना ही इसके लिए आपको जो महंगा एक्वेरियम सॉयल चाहिए। आप एकदम लो बजट में जो है अपना एक्वेरियम सेटअप कर सकते हैं और बहुत अच्छा से आपके प्लांट्स ग्रो भी करेंगे। तो चलिए फिर जानते हैं 10 ऐसे लोटेक एक्वेरियम प्लांट्स के नाम जिनको ग्रो करना सबसे आसान है और सबसे कम खर्चा में ये आपके एक्वेरियम को बहुत अच्छा सा लुक देगा। मैं और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, मैं जितने भी प्लांट्स का नाम आप लोगों को बता रहा हूं ये सब सारे प्लांट्स जो है मैंने अपने एक्वेरियम में ग्रो करके रखा है, और कुछ तो प्लांट्स अभी आप सामने ही देख सकते हो इसी एक्वेरियम में है। तो चलिए फिर बात करते हैं 10 लोटेक एक्वेरियम प्लांट्स के बारे में जिनको ग्रो करना सबसे आसान है। 10 नंबर पे जो प्लांट आता है वो है बकोपा। ग्रीन पत्तियों वाली ये प्लांट बिना CO2 इंजेक्ट किए भी आपके एक्वेरियम को एकदम हरा भरा कर देता है। इनको ग्रो करना बहुत ही आसान है। अब नॉर्मल सा जो गार्डन सॉयल है इसमें भी इनको ग्रो कर सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि आप इनको एक्वेरियम के पीछे के साइड में बैकग्राउंड में जो है प्लांट करें, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा लंबे होते हैं। इस कारण से जो है आपको एक अच्छा बैकग्राउंड भी मिल जाएगा इस प्लांट से, और इनको ग्रो करने के लिए आपको बाहर से CO2 इंजेक्ट करना भी नहीं पड़ेगा। बिना CO2 का ही ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है, और ना ही आपको महंगा लाइट चाहिए। आप DIY लाइट के साथ जा सकते हो, और मेरा जैसे ये लगा हुआ है एक सोबो का कॉब लाइट, ये भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि बहुत महंगा है, ये भी 500-600 का आता है। आप इस तरह के लाइट के साथ भी जा सकते हो। 9 नंबर पे जो प्लांट है वो है रोटाला रोटंडोफिलिया। ये लाल रंग का प्लांट होता है, पत्ता इसका छोटा छोटा होता है, लेकिन अगर आप इसको विदाउट CO2 वाला टैंक में ग्रो कर रहे हो वो भी नॉर्मल लाइट के साथ जैसे मेरा लाइट है, तो इसका कलर जो है थोड़ा सा ग्रीन टाइप का हो जाता है, ग्रीनिश टाइप का, फिर भी उसमें जो है थोड़ा सा आपको रेडनेस दिखेगा, लेकिन फिर भी ये देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये अगर आप अपने एक्वेरियम में ग्रो करो बिना CO2 और बिना किसी महंगे लाइट का भी, बस आपको जो है सब्सट्रेट के अंदर जो गार्डन सॉयल हो गया या फिर एक्वेरियम सॉयल हो गया, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, इसका ग्रोथ जो है बहुत जल्दी होने लगेगा और आपको काफ़ी अच्छा दिखेगा। ये बाद में जाके इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रूनिंग कर दो तो ये जो झाड़ी टाइप का बन जाता है, तो ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। 8 नंबर पे जो प्लांट है वो है HM या फिर पर्लविट्स। अगर कार्पेट प्लांट्स के बारे में बताया जाए तो HM जो है मेरा फेवरेट है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि मॉन्टे कार्लो सबसे अच्छा कार्पेट प्लांट है, लेकिन जो है उसके लिए आपको बहुत अच्छा लाइट और CO2 भी इंजेक्ट करना होगा बाहर से, लेकिन HM के लिए आपको बाहर से CO2 या फिर बहुत महंगा लाइट का ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही कम खर्चा में, यहाँ तक कि ये सैंड में भी ग्रो कर जाता है, आप इसको सैंड में भी इसको ग्रो करवा सकते हो। 7 नंबर पे जो प्लांट है वो है कबुम्बा। लोटेक प्लांटेड एक्वेरियम सेटअप में कबुम्बा जो है बेस्ट एक्वेरियम प्लांट है। इसको आप एकदम लो लाइट में और बिना किसी फर्टिलाइजर के भी बहुत अच्छा से ग्रो कर सकते हो। अगर आप आउटडोर सेटअप कर रहे हो तो उस हालत में ये प्लांट जो है कबुम्बा ये बेस्ट है। आप आउटडोर सेटअप में इसका यूज़ करो, और देखने में वो जो है इसका जो है देखने में जो कलर बनता है इसके, अगर आप ऊपर से इसको देखते हो ना तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, लगता है जैसे कि पानी के अंदर जो है प्लांट्स जो है ऐसे खिला हुआ है। ये दो कलर में आता है, एक हरा और रेड, तो रेड के लिए आपको थोड़ा सा जो है लाइट जो है थोड़ा अच्छा यूज़ करना पड़ेगा, और हरा वाला जो है उसमें आप नॉर्मल लाइट से भी जो है इसका ग्रोथ जो है अच्छा हो जाता है। 6 नंबर पर जो प्लांट है वो है क्रिप्टोकॉर्निया। आप मेरे HM के पीछे आप क्रिप्टोकॉर्निया देख सकते हो, थोड़ा सा ब्राउन कलर का आपको दिखेगा। इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। लोटेक प्लांट्स के रूप में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। आप इसको बस गार्डन सॉयल हो या फिर एक्वेरियम सॉयल हो उसमें आप उसको ग्रो कर दो, आप ये इसका ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी होता है और ये जल्दी बढ़ जाता है। मतलब थोड़ा सा आप छोटा सा लगाओ वो गुच्छा बन जाएगा थोड़े टाइम में ही,
और इसके लिए आपको कोई ज़्यादा महंगा फर्टिलाइजर का भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा महंगा लाइट का भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप ग्रीन वाला क्रिप्टोकॉर्निया कर रहे हो तो आप नॉर्मल सा लाइट में भी इसको ग्रो करवा सकते हो। लेकिन मेरा जो है ये रेड कलर का है, मतलब रेड तो नहीं बोलूँगा लेकिन थोड़ा सा ब्राउनिश में है। इस लाइट में भी, ये सोबो का एक हॉब लाइट है, उसमें भी ये अच्छा ग्रो किया है और इसका कलर काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। 5 नंबर पे जो प्लांट है वो है रेड रूट फ्लोटर। ये एक फ्लोटिंग प्लांट है, उसका जो रूट होता है वो थोड़ा रेड कलर का होता है देखने में। ये काफ़ी अच्छा है लोटेक एक्वेरियम प्लांट्स के रूप में। ये आपके एक्वेरियम के पानी को कंडीशन भी करता है, और अगर इसमें सही लाइट दिया जाए तो इसके पत्ती के साइड से जो है आपको एक रेड कलर का जो है एक सर्कल बनता हुआ दिखेगा, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और इसका जो रूट है वो भी थोड़ा थोड़ा रेडिश टाइप का हो जाता है, जो बाद में देखने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही कम फर्टिलाइजर में आपके एक्वेरियम में ग्रो हो जाएगा। आपको एक समय ऐसा लगेगा उस उठा उठा के आपको फेंकना पड़ेगा आपको इसका पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए इसको। 4 नंबर पे जो प्लांट है वो है अमेजन सॉर्ट। आपके पास प्लांटेड एक्वेरियम हो और आप अमेजन सॉर्ट के साथ परिचित नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो है। ये सबमर्ज हालत में जो है रहता है, थोड़ा सा पानी के नीचे और थोड़ा सा पानी के ऊपर। आउटडोर सेटअप में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, और नॉर्मल टैंक में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा लाइट का ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल लाइट में भी ये ग्रो हो जाते हैं। आउटडोर में तो आपको लाइट चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये जो है जब एक्वेरियम से ऊपर आने लगता है तो इसका पत्ती जो है ये नॉर्मल बाहर के लाइट से ही जो है फोटोसिंथेसिस का क्रिया जो है कंप्लीट कर लेता है। तो फिर इसके लिए आपको अलग से लाइट देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, और आउटडोर सेटअप में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है और बहुत जल्दी ग्रो होता है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसका पत्ता थोड़ा बड़ा होता है और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। 3 नंबर पे जो प्लांट है वो है जावा मॉस। आप अपने एक्वेरियम के पत्थर में या फिर जो ड्रिफ्ट टूट आप यूज़ कर रहे हैं उस पर आप जावा मॉस को रपेट दीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है ये देखने में। ऐसे बहुत तरह का मॉस आता है, जैसे पिकॉक मॉस हो गया, क्रिसमस मॉस हो गया, इस टाइप के और बहुत सारे मॉस है जो आता है। तो अगर आप मॉस का यूज़ करते हैं अपने एक्वेरियम में तो वो एक अलग सा ही लुक देता है आपके एक्वेरियम को। आप पत्थर के साथ इनको अटैच करके जो है बॉटम में रख दीजिए, ये अलग सा ही लुक देगा, उस पत्थर को ही एक अलग टाइप का लुक दे देगा। और इसके लिए जो है आपको एक्वेरियम सॉयल या फिर गार्डन सॉयल या फिर सैंड का जरूरत नहीं है, ये नॉर्मली आप जो है ड्रिप टूट और पत्थर में जो इसको ग्रो कर सकते हैं। 2 नंबर पे जो प्लांट है वो है जावा फर्न। एक्वेरियम प्लांट्स में अगर सबसे हार्डी कोई प्लांट है तो वो है जावा फर्न। मेरे इस एक्वेरियम में पीछे की तरफ आप जावा फर्न देख सकते हैं, एकदम पीछे की तरफ है, और ये बहुत ही स्लो ग्रोअर प्लांट है, बहुत धीरे धीरे ये बढ़ता है। आप अगर इसको अपने प्लांट एक्वेरियम में लगाते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखो कि डायरेक्ट लाइट जो है इसमें ना गिरे। अगर इसमें डायरेक्ट लाइट जाता है तो क्या होता है, पत्ती के ऊपर आपको हरा हरा डॉट टाइप का एल्गी देखने लगेगा, जो कि प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं है। ये आपके प्लांट के ग्रोथ को जो है कम कर देता है। ठंडी के टाइम में जावा फर्न से जो है उसके पत्ती से जो आपको नया पौधा निकलते हुए दिखेगा, और ये काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि ये स्लो ग्रोअर है तो आपको बहुत जल्दी ही इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगा बाकी सब प्लांट्स की तरह, लेकिन धीरे धीरे इसमें ग्रोथ अच्छा होता है और ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और इसको ग्रो करने के लिए आपको ज़्यादा फर्टिलाइजर की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत कम फर्टिलाइजर में और बहुत कम एफर्ट में आप इसको ग्रो करवा सकते हो। 1 नंबर पे जो प्लांट है वो है एनोबियस। पर्सनली मेरा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैंने एक छोटा सा टैंक बस बना के रखा है जिसपे मैंने मेरा पिछला वीडियो जिसपे बना है आप देखिएगा, जिस प्लांट जिस एक्वेरियम के सामने बैठ के मैं वीडियो बनाता हूँ, पिछला सब वीडियो बनाया हूँ उसमें एनोबियस और बुसा फिलेंड्रा ये दोनों मिला के मैंने पूरा एक सेटअप बनाया है। ये प्लांट जो है बहुत स्लो ग्रोवर है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसको जो आप ध्यान में रखिए एक चीज़ कि डायरेक्ट लाइट में इसको ना लगाए, शेडो पे लगाए। अगर आप हार्डस्केप कर रहे हैं तो हार्डस्केप के नीचे जो शेडो बनता है, जिस एरिया में डायरेक्ट लाइट नहीं गिरता है जहाँ शेडो बनता है, वैसे एरिया में आप एनोबियस का प्लांटिंग करें, बहुत अच्छा इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा देखने के लिए इसमें। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट लाइट में इसको लगाते हैं तो इसमें आपको वही ग्रीन डॉट एल्गी जो है देखने के लिए मिलेगा। ये थोड़ा महंगा आता है लेकिन ये प्लांट जो है बहुत हार्डी है, जल्दी जो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा नहीं, जैसे पत्ती मेल्ट हो जाना। बस कोशिश करें कि डायरेक्ट लाइट में इसको ना लगाएं तो ये जो है ये प्लांट सही से ग्रो करेगा। ठंडी के टाइम में इसका ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है और गर्मियों में थोड़ा सा प्लांट का ग्रोथ जो है कम रहता है। नॉर्मली जितना भी एक्वेरियम प्लांट्स है उनका ग्रोथ ठंडी में बढ़ता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे इनका ग्रोथ जो है कम होता जाएगा। ये था मेरा 10 एक्वेरियम प्लांट्स का लिस्ट जो मैं खुद अपने एक्वेरियम में ग्रो कर रहा हूँ, और मुझे लगता है इनको ग्रो करना सबसे आसान है। इसके अलावा भी बहुत सारा प्लांट्स है, एक्वेरियम प्लांट्स है, लोटेक प्लांट्स बहुत सारा है जिनका यूज़ आप अपने एक्वेरियम में कर सकते हैं।
सेजिटेरिया हो गया, हॉर्नोट हो गया, एलिसनेरिया हो गया, ये सब प्लांट का यूज़ आप अपने एक्वेरियम में कर सकते हैं। ये बहुत इजी टू ग्रो है, इनको ग्रो करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। मैंने जो जो अपने एक्वेरियम में यूज़ किया है, मैंने उसी में से जो है 10 ऐसे प्लांट है जो मैंने आप लोगों को बताया, जो मुझे लगा कि इजी टू ग्रो है। आज मैंने आप लोगों को बताया 10 ऐसे लोटेक एक्वेरियम प्लांट्स के बारे में जिनको ग्रो करना सबसे ईजी है और सबसे कम खर्चा में आप इनको ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सीरीज़ के लास्ट पार्ट में मैं आप लोगों को एक प्लांटेड एक्वेरियम सेटअप करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आप अपने प्लांटेड एक्वेरियम के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।